आज जो मुख्य विषय है बिहार के सामने, सबसे जो बड़ी चुनौती है वो चुनौती है विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर के। जो नीतिगत उसमें विफलता है और जो बुनियादी सवाल को सुलझाने का उसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इससे बिहार की समस्या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा होगा, भाई भाई में विवाद होगा, भाई बहनों में विवाद होगा, अपने पट्टीदारों में विवाद होगा। इस परिस्थितियों से बचने का इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये केवल और केवल सर्वे बिहार में लैंड बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है कि 20-25 लाख एकड़ भूधारियों की जमीन सरकार अपने कब्जे में लेकर के देश के अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, कारोबारियों को देना चाहते हैं। इस उद्देश्य से ये काम हो रहा है, जबकि 1990 में कैडस्ट्रल सर्वे, 1970 में रिविजनल सर्वे में बड़ी स्पष्ट अधिकार था रिविजनल अधिकारी को, एक न्यायिक अधिकार था कि कोई भी जमीन जिसके कब्जे में है उसको, अगर उसके पास कोई खतियान नहीं है तो उसके बसावट के आधार पर उसको खतियान देने का अधिकार दिया गया था। गरीब लोगों को सिकमी पर्चा देने का अधिकार था। दूसरा विषय था कि जमीन के किस्म का भी निर्धारण का अधिकार था। लेकिन इस दोनों ही विषयों में, ये दो मुख्य विषय जो सर्वे के होते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं जाने के कारण इस सर्वे का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सरकार तो, राजस्व भूमि मंत्री ने भी कहा है कि हम लोगों को समय भी दे रहे हैं कि अपने जो पेपर है उसको तैयार कर लें, और जो सर्वे है वो सही तरीके का सर्वे हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी मैं बता दूं, सर्वे तो एक बड़ा सवाल है, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस कई साल से चल रहा है बिहार में। पिछले 8-9 साल से डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू चल रहा है और 50% भी आज तक पूरा नहीं हुआ, और जो उसमें सुधार के लिए जितने आवेदन गए या तो खारिज कर दिए जाते हैं या पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इतना दौड़ाया जाता है कि उसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो सर्वे कैसे सरकार करेगी? जब एक बार इनके पास डिजिटल रिकॉर्ड हैं भूमि का अपडेटेड, तो फिर सर्वे तो बहुत आसान काम है। लेकिन जिससे रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं हुआ वो सर्वे कैसे करेगा? बिना कागज़ का कहीं सर्वे होता है क्या? तो इस एक जो कागज़ जो डिस्ट्रॉय हो गया सरकारी कार्यालयों से, निजी तौर पे हमसे अगर खराब हो गया, कागज़ फट गया, तो उसके 3 कॉपी जो बिहार सरकार के पास था अंचल में, जिला में और पटना में, वो कहाँ गायब हो गया? अगर तीनों जगह गायब होना एक षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जमीन का कागज़ गायब करके ये सारे जमीन अपने कब्जे में करने का षड्यंत्र है बिहार सरकार का। और आप एक बात और भी समझिए कि अगर कोई बिहार की सरकार पे गरीब आदमी बसा है, भूमिहीन आदमी, तो उसको सेटल करने का सरकार नियत रखती है कि नहीं? अगर सरकार नियत रखती है तो सर्वे अधिकारियों को अधिकार क्यों नहीं दिया आपने? तो अभी तक जानकारी के हिसाब से जो चिट्ठी गए हैं उसमें अधिकार नहीं मिला, तो इस सर्वे का क्या औचित्य है? क्या इसको लेके सदन में भी आप अपनी बातों को रखेंगे? जिस सदन में भी सवाल को रखेंगे, दिल्ली में सड़क पर भी रखेंगे और जिला स्तर के मुख्यालयों पर जाएंगे और किसानों से राय शुमारी कर एक बृहद हम लोग इसको आंदोलन करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ। राष्ट्रीय जनता दल इस आंदोलन में कहाँ रहेगी? राष्ट्रीय जनता दल मानती है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कई मंचों से कहा कि ये जो सर्वे है ठीक से नहीं हो रहा है, फर्जी तरीके से हो रहा है, इसको हम लोग ठीक करेंगे। और इसी ठीक करने की नीयत से हमारा ये राय शुमारी है आम लोगों, आम जनों से, बिहार के किसान नेताओं से, और ये राय शुमारी आगे चल 2-3 महीने में चलते रहेंगे जब तक कि हम लोग निश्चित तौर पर निष्कर्ष पर हम लोग न पहुँच जाए। सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे? निश्चित तौर पर, अभी हम उतरे भी हैं, अभी स्मार्ट मीटर के खिलाफ उतरे थे, आप देखेंगे कि हम लोग इसको सर्वे के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे। गांव-गांव में भी क्या इसको लेके कोई अभियान चलाया जाएगा? गांव के ही अभियान के जरिए हम यहां तक बात आई हमारे पास। जब हम गांव के तरफ जाते हैं और जो हम लोगों ने किसानों की बात सुनी है उसी अभियान के जरिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से हम लोग एक निर्णय लेने की स्थिति में हैं कि इसको पुनः हम लोग इसको जन जागरूकता अभियान के जरिए चलाएंगे इसको हम लोग।